I'll take that up. एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये तीनों ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर एक को करने हैं, ढंग से करने हैं, और इनमें से आता ही आता है पेपर। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसा है जिसमें से कोई मतलब 0.1% चांस भी नहीं है कि ना आए, ठीक है? तो 99.9% चांसेस स्टैंडर्ड के, तो इवन 100% चांसेस है कि आएगा। मार्जिनल के भी 100 नहीं तो 99.9% चांसेस है कि क्वेश्चन आता है। आउट ऑफ द थ्री आई विल से बजटरी कंट्रोल इज द इजिएस्ट, नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड द थर्ड और द डिफिकल्ट वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो मार्जिनल कॉस्टिंग इटसेल्फ इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर टू स्टार्ट विद। देयर आर ओनली अ फ्यू बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। टू बिगिन विद, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक। ही सेज देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ एवरी बिजनेस, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। इट इज बीइंग रिकॉर्डेड सो यू मे नॉट राइट इट राइट नाउ, ठीक है? सिर्फ अंडरस्टैंड करो। प्रॉफिट पे आने से पहले, विच इज द थर्ड स्टेज ऑफ अ बिजनेस, देर आर टू स्टेजेस बिफोर इट। ही सेज कोई भी बिजनेस एकदम से प्रॉफिट में नहीं आता। अब लेट अस से अ पर्सन टेक्स अप अ शोरूम ऑन रेंट इन इलांते, ही टेक्स अ फ्रेंचाइज ऑफ लेवाइस, ठीक है ना स्पेलिंग? अब यहां पे वो जीन्स बेच रहा है, ठीक है, जिनकी कॉस्ट उसको पड़ती है 1300 रुपये, लेकिन वो बेचता है 2000 रुपीज में। क्या इन द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस विल ही स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट? नो, बट इफ ही इज बाइंग द जीन्स एट 1300 एंड समहाउ ही इज एबल टू सेल देम ओनली फॉर 1200 एंड नॉट 2000, विल ही बी एबल टू सर्वाइव? नो। दैट मीन्स इन द वेरी फर्स्ट स्टेज द बिजनेस इज एबल टू रिकवर ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। अभी भी जो ये इलांते के अंदर शोरूम का रेंट है वो उसकी जेब से जा रहा है। इसका मतलब पहली स्टेज में एक बिजनेस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ले तो चलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इट स्टिल गोज आउट ऑफ योर पॉकेट एंड स्टिल द बिजनेस शुड शुड बी एबल टू सर्वाइव एट दिस स्टेज बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द बिजनेस टू कवर बोथ द कॉस्ट इन द वेरी फर्स्ट स्टेजेस ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट स्टेज योर मेन एम इज टू कवर ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। सो हेंस ही सेज वट एवर इज योर सेलिंग प्राइस यू शुड बी एबल टू रिकवर योर फिक्स कॉस्ट ओनली। द वेरी नेक्स्ट स्टेज कम्स वेन यू हैव ऑलरेडी रिकवर्ड योर वेरिएबल कॉस्ट, नाउ इट इज द टर्न टू रिकवर योर फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल। दूसरी स्टेज में जाके जब आप वॉल्यूम ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर करना शुरू कर देते हैं। पहली स्टेज में इतनी ज्यादा सेल्स वॉल्यूम नहीं होता है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सकें, लेकिन अगर आप पहली स्टेज में वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, इट इज बेटर टू शट डाउन द बिजनेस। आपने इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, शट डाउन पॉइंट क्या होता है? व्हेन द बिजनेस इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, राइट? द सेम रूल अप्लाइज हेयर ऑल्सो। फर्स्ट स्टेज यू शुड बी एबल टू कवर वेरिएबल कॉस्ट एट ऑल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज स्टिल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। सेकेंड स्टेज यू आर ऑल्सो एबल टू रिकवर योर फिक्स कॉस्ट, ठीक है? बट स्टिल ही सेज द सेकेंड स्टेज इज वेन यू आर एबल टू रिकवर योर फिक्स कॉस्ट। सो हेंस ही डिवाइड्स इट इन टू टू स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज, एंड इन द थर्ड स्टेज कम्स द प्रॉफिट। थर्ड स्टेज कम्स द प्रॉफिट, ठीक है? तो सबसे पहले जब हम वेरिएबल कॉस्ट को कवर करते हैं
इसको एक नाम दे देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। इसलिए हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। हम सीधा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट नहीं लिखते हैं। कॉस्ट को दो स्टेजेस में इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि बिजनेस की दो स्टेजेस में ये कॉस्ट को कवर किया जाता है। यहां पे क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से ही आगे आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेज के एंड तक आप सिर्फ वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को कवर करते हैं एंड यू अचीव समथिंग कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। सीधा प्रॉफिट नहीं आ जाता, पहले एक स्टेज आती है ब्रेक इवन पॉइंट की, जहां पे आप टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट के बराबर मानते हैं। योर रेवेन्यू इज एबल टू रिकवर ओनली योर कॉस्ट एंड देर इज नो प्रॉफिट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। सो एट द थर्ड सॉरी सेकेंड स्टेज के एंड पे यू अचीव योर ब्रेक इवन पॉइंट। एज सुन एज यू एंटर द थर्ड स्टेज बाय सेलिंग इवन वन यूनिट एक्स्ट्रा ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से एक भी यूनिट ज्यादा बेचते हैं तो आप प्रॉफिट में एंटर कर जाते हैं, थर्ड स्टेज में एंटर कर जाते हैं। लेकिन यहां पे एक टर्म आती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या आया? ब्रेक इवन पॉइंट। इस स्टेज पे क्या आया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, मार्जिन सेफ्टी उतना मार्जिन जो आपको सेफली उस बिजनेस में रख सके, ठीक है, उतना मार्जिन जितना आप सेफली उस बिजनेस में रह सकें। अब ये क्या चीज हुई? इसका मतलब है लेट अस से आप सीए करने के बाद आपको 5,000 रुपये पर मंथ की नौकरी मिलती है, करोगे क्या? करोगे फिर घर वाले बोलेंगे पॉकेट मनी ले लो, 5,000 की नौकरी मत करो। अब कुछ तो मार्जिन रखोगे ना सेफली उस बिजनेस में रहने के लिए, वरना क्या करोगे? कुछ और बिजनेस अपना लोगे, कुछ और करना शुरू कर दोगे, 5,000 रुपये की नौकरी तो नहीं करोगे एटलीस्ट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हुआ? कम से कम उतनी सेल्स कि आपका डिजायर्ड प्रॉफिट आ सके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नॉट कि ब्रेक इवन पॉइंट से 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए और 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया साल में, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स वो मार्जिन जो आपको सेफली उस बिजनेस में रखता है, ठीक है। ये सारी टर्म समझ में आती है? कॉन्ट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड तीनों स्टेजेस भी समझ में आती हैं। पहली स्टेज में आपका क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरी स्टेज में ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरी स्टेज पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑनलाइन पीपल आर वी क्लियर टिल हियर एवरीवन? यस सर। ओके 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 ओके। सो नाउ वी आर कमिंग ओवर टू टू फॉर्मूले। वन इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो जिसको बोलते हैं। ऐसे याद रखना है, प्रॉफिट कैसे आएगा? वॉल्यूम से। वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बढ़ाने से। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इनटू 100। ये परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड है। अगर आपकी सेल्स 100 है और कंट्रीब्यूशन 60 है, इट इंडिकेट्स आपका बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट की जो रेशियो आएगी उसमें अगर आप पीवी रेशियो ऐड करेंगे तो हमेशा 100% आएगी, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। कई बार आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दी होती है कि 70% है, तो पीवी रेशियो वहीं से आपको पता चलनी चाहिए कि 30% है, ठीक है। पीवी रेशियो समझ में आ गया? पीवी रेशियो इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज टर्म्स। कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पर यूनिट एंड पीवी रेशियो इज ऑलवेज इन परसेंटेज। बट इफ यू लुक केयरफुली, कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज कमिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स एंड पीवी रेशियो इज बींग एक्सप्रेस इन परसेंटेज। एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पीवी रेशियो सेम चीज है, सिवाय इसके कि कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट के पीछे है और पीवी रेशियो 100 के पीछे है, परसेंटेज में तो 100 के पीछे है। दोनों चीजें प्रैक्टिकली, दोनों का नाम अलग है थेरेटिकली, बट टेक्निकली दोनों चीजें सेम है, डेरिवेशन उनकी वहीं से हो रही है। तो कई बार हम ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पीवी रेशियो यूज करेंगे या ब्रेक कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज करेंगे। तो ऐसा मान के चलिए कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सिर्फ एक यूनिट के पीछे है और पीवी रेशियो रुपीज में है या परसेंटेज में है 100 के पीछे है।
तो दोनों चीजें बराबर हैं। अब आते हैं पीवी रेशो का, एक बार फटाफट से फॉर्मूला बता दो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सेल्स में से सबसे पहले क्या लेस होता है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। उसमें से क्या लेस होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। और क्या आता है? प्रॉफिट। अगर मैं आपको ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूं तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट आपका जीरो होगा, क्योंकि आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? सेम होगा, तभी जीरो होगा ना। तो इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट विल बी जीरो एंड व्हाट विल हैपन, कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ब्रेक इवन पॉइंट कौन सी स्टेज पे आता है? सेकेंड स्टेज पे। तो ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर आपका मेन कंसर्न क्या है? क्या रिकवर करना चाहते हैं? फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना, सेकेंड स्टेज पे आप क्या रिकवर करना चाहते थे? फिक्स कॉस्ट। और थर्ड स्टेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आप क्या कवर करना चाहते थे? प्रॉफिट, योर डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, योर कंसर्न हियर इज फिक्स कॉस्ट एंड योर कंसर्न हियर इज प्रॉफिट। सो यू हैव योर फॉर्मूले फ्रॉम हियर। ठीक है, देर आर टू फॉर्मूले फॉर ब्रेक इवन पॉइंट एंड टू फॉर्मूले फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वट एवर यू डिजायर एंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। ठीक है, क्या चाहिए और कहां से चाहिए? क्या चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट। कहां से चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। दूसरा फॉर्मूला, क्या चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट। कहां से चाहिए? पीवी रेशो। सिमिलरली, क्या चाहिए? प्रॉफिट। कहां से आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वेयर एग्जैक्टली आर यू डिराइविंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम? फ्रॉम योर कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज एन इररेलेवेंट कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। सो एवरीथिंग कम्स डाउन फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन इन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड नॉट, यू डोंट कंसिडर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एनी वेयर। यू ऑलवेज कंसिडर दिस इज अ टोटल कॉस्ट, दिस इज एन इररेलेवेंट कॉस्ट, बिकॉज फॉर योर डिसीजन मेकिंग यू आर जस्ट रेफरिंग टू पीवी रेशो, यू आर जस्ट रेफरिंग टू कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रॉफिट कम्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और इट कम्स फ्रॉम पीवी रेशियो। ठीक है, इतना समझ में आता है? ठीक है, एक बार फटाफट से इन्हीं फॉर्मूलाज को बता दीजिए। पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ब्रेक इवन पॉइंट हैज टू फॉर्मूले। व्हाट डू यू नीड? फिक्स्ड कॉस्ट। फ्रॉम वेयर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू फॉर्मूले, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। यहां तक इज एवरीवन क्लियर ऑनलाइन? ओके ओके, नाउ वी कम टू, अगेन आई एम ड्रॉइंग द सेम थ्री स्टेजेस एंड जस्ट रेफर टू ओनली वन थिंग। आप क्या कर रहे हैं? यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आता है। आप सेल्स कैसे कर रहे हैं? एक सेल्स हो रही है यहां तक और एक सेल्स हो रही है यहां तक। मैं इस सेल्स को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। यहां तक की सेल्स को मैं बोलता हूं ब्रेक इवन सेल्स। ऐसा ही हुआ ना, स्टेज वन में भी सेल्स हुई, स्टेज टू में भी सेल्स हुई, यहां पे जाके ब्रेक इवन पॉइंट आया। तो जो पॉइंट ए से लेके ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल्स है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रेक इवन सेल्स। जो पॉइंट ब्रेक इवन सेल्स से बी तक जा रहा है उसको बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स।
ऐसे बोलेंगे ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स हैं और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स हैं, और तो कोई सेल्स नहीं है। तो यहां से हम एक चीज डिराइव करते हैं, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स। ठीक है, इफ टोटल सेल्स इज 4 लाख, ब्रेक इवन सेल्स इज 40%, टेल मी द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। 4 लाख का 60% कितना हो जाता है, 2,40,000। ऐसे निकालना है। ये सारी चीजों में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे ये नहीं सोचने बैठ जाना ये क्या था। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें पता चली? एक तो पता चला वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100%, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। ये दोनों चीजें याद रखनी है, अननेसेसरी कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना। एक और चीज, मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन करने के एक से ज्यादा ढंग होंगे। हो सकता है मेरा जो आंसर निकले वो थोड़ा सा लंबा मेथड फॉलो करके निकले, आप हो सकता है उसमें से कुछ और एंगल ढूंढ लें और एक शॉर्ट आंसर जल्दी निकाल लें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेरा मेथड होगा और आपका मेथड होगा स्पेसिफिकली इन दिस चैप्टर विल ऑलवेज बी द सेम। नो इट विल नॉट और इट मे नॉट। ठीक है, तो हो सकता है मैं कोई और एंगल पकड़ू और आप कोई और एंगल पकड़े। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका होगा, अगर हमारा हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा हम कौन सा एंगल पकड़ते हैं। यहां तक समझ में आता है? ब्रेक इवन पॉइंट के दोनों फॉर्मूले बता दो। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन या फिक्स कॉस्ट अपॉन ठीक है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फॉर्मूले। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। 100 माइनस पीवी रेशियो इज इक्वल टू विच रेशियो? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स। ये सब याद हो गया। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। ही सेज सेलिंग प्राइस इज 100। जैसे हमें यह पता चलेगा कि यह मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, उसने क्या बोला? सेलिंग प्राइस इज 100, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये तीनों चीजें क्या हुई? वेरिएबल कॉस्ट। कितना हो जाता है? 75। ये कंट्रीब्यूशन आ गया, ये पीवी रेशियो आ गई, लेकिन ये एक यूनिट के पीछे की कंट्रीब्यूशन और एक, हाँ मतलब पीवी रेशियो तो चलो ठीक है, बट एक यूनिट के पीछे का कंट्रीब्यूशन है। पूरी फिक्स्ड कॉस्ट पूरे साल की कितनी है? 2 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 12,500। ठीक है, इतना आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट प्रॉफिट, पीवी रेशियो, दो चीजें निकल गई। अब वो बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू एंड इन यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो ब्रेक इवन पॉइंट था हमारा दो तरीके से निकलता था, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट इज 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 25 इज 8,000 यूनिट्स, क्योंकि ये एक यूनिट के पीछे का कंट्रीब्यूशन था। तो कितने यूनिट इतना फिक्स कॉस्ट को कवर करेंगे? तो 8,000 यूनिट्स। इसका मतलब जब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर्मूले में लगाते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट्स में आता है कि इतने यूनिट बेचोगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा।
अगर आप इसको एक बार करना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो क्या होएगा, 8,000 × 100 विल बी योर सेल्स, 8,000 × 75 करना कितना होता, 6 लाख। आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 2 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट भी 2 लाख यहां से हमने उठा ली, तो प्रॉफिट 0। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो। इसका मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाय 25%, इसका मतलब 100 रुपए के पीछे 25 का कंट्रीब्यूशन। परसेंटेज में जब होएगा तो आपको पता चलेगा कि ये इतने रुपए की सेल होगी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ये 8 लाख होनी चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे 8 लाख की सेल लिखी हुई है, तो 2 लाख ओवर 25% 8 लाख आता है। वैल्यू का मतलब हो गया रुपीज में, और यूनिट्स तो आपको यूनिट्स पता चली गए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू एंड इन यूनिट्स, अगेन वैल्यू के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, पीवी रेशो। यूनिट्स होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट कितना है, 1,12,500। इफ यू डिवाइडेड बाय 25% तो इतने रुपए की मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 4,50,000। एंड अगर 1,12,500 को आप 25 रुपए से डिवाइड करते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यू 4,500 यूनिट्स। वैसे भी आप देखो 4,500 को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रुपए में सेल्स आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इज एवरीवन फॉलोइंग दिस, ऑनलाइन पीपल आर वी ओके विद दिस क्वेश्चन? ओके, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें। एक चीज है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, हमारा कंसर्न सिर्फ एंड सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू फिक्स कॉस्ट, ऑल्दो सम ऑफ यू मे नॉट एग्री बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि वो ये बोलता है इफ यू आर एबल टू कवर योर वेरिएबल कॉस्ट एंड यू आर एबल टू गेट सम कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड इफ यू जस्ट पे अटेंशन टू दिस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू सेल, डोंट वरी अबाउट द फिक्स कॉस्ट। समझ रहे हो ना? फिक्स कॉस्ट क्यों चुभती है, क्योंकि आप उतनी सेल्स अचीव नहीं कर पाते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बेच पाते हैं। अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स को ही इतना ज्यादा सेल्स को बढ़ा दें, नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ा दें, एंड यू आर ऑलरेडी इन अ गुड कॉन्ट्रीब्यूशन, यू आर एबल टू कवर योर वेरिएबल कॉस्ट, देन डोंट वरी अबाउट द फिक्स कॉस्ट। दिस इज द लॉजिक। अब वो कहता है कंपनी अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। तो जैसे ही आएगा तो मेरे को ये पता चलना चाहिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। व्हाट डज ही से, प्रॉफिट 30,000 है जबकि मार्जिनल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है 8 और 10, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आई हैव नो क्लू अबाउट द फिक्स कॉस्ट राइट नाउ, आइदर गो विद द लंबा मेथड और जस्ट ट्यून योर माइंड टू अराइव एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था, मैं आपको बताता हूँ, दोनों मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए। उसने क्या बोला है, किस में निकालना है, अमाउंट में निकालना है, यूनिट्स में नहीं निकालना। तो मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट इज 30,000, पीवी रेशियो इज 2/10 × 100, 20%। हाउ मच इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
1,50,000। अब इसका क्या कर सकते थे हम, इसका नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ अगर हम एक्स लेते हैं, ठीक है, फिर भी शायद नहीं आता। 2x-fixed cost = ये हो जाता। हाँ, उससे नहीं आना था, वी वुड स्टिल बी स्टक समवेयर। सो दिस इज द ओनली मेथड वेयर वी कैन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, क्योंकि जब तक फिक्स कॉस्ट नहीं था तब तक हम ब्रेक इवन सेल्स भी नहीं निकाल सकते थे, टोटल सेल्स पता नहीं थी। तो यही एक मेथड इस क्वेश्चन के लिए एग्जिस्ट करता था। अब सिंस आई वांट यू टू सॉल्व इट, ट्राई विद दिस थर्ड क्वेश्चन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2,40,000, विच इज 40% ऑफ सेल्स, समझ गए? दैट मीन्स टोटल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल्स का 40% है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,40,000 है, ऐसे बनेगा ना? तो टोटल सेल्स कितनी होंगी? 6 लाख होती हैं। किया कैलकुलेट? ऑनलाइन पीपल, जस्ट दिस स्टेप आई वॉन्ट टू रीइटरेट इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। उसने क्या बोला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,40,000 है और ब्रैकेट में लिख दिया 40% ऑफ सेल्स। इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल्स का 40% है। तो हमने क्या इसमें लॉजिक लगाया, कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे किया था, ठीक है। हमने इतना देखा कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टोटल सेल्स का 40%। क्लियर है ना? ये कोई डाउट तो नहीं है पक्का? अगर 6 लाख टोटल सेल्स है तो यहीं से बता दो ब्रेक इवन सेल्स कितनी होंगी, 3,60,000। क्यों? 6 लाख में से 2,40,000 माइनस कर देंगे। पीवी रेशो 30% है, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स, ये हमने निकाली थी, फाइन है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 9 लाख। अब एक चीज हमारे लिए मिसिंग है, वो है फिक्स कॉस्ट। अगर हमें फिक्स कॉस्ट पता चल जाए तो हमें प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। अब अगर आपके पास ब्रेक इवन सेल्स है, आपके पास पीवी रेशियो है, तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। बताएंगे कितनी आती है फिक्स कॉस्ट? ठीक है, फिक्स कॉस्ट अपॉन 30% इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स 3,60,000, 1,08,000। क्लियर है ना? ये ऑनलाइन पीपल, आई एम श्योर आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो इफ यू आर क्लियर ऑन दिस, कैन यू कैलकुलेट कि अगर 9 लाख की सेल हो तो कितना प्रॉफिट होगा? यू नो द पीवी रेशियो, यू नो द फिक्स कॉस्ट, नाउ बताइए। 1,62,000। सॉल्व नहीं किया बाकी लोगों ने, सिर्फ देख रहे हैं कैसे आएगा। नहीं, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, 70% हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार देखिए जरा फटाफट से, आपके पास सेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन की हुई है 9 लाख की है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अगर पीवी रेशो 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट 70%, 6,30,000, कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 2,70,000। ओके, 2,70, एंड फिक्स कॉस्ट अभी अभी हमने निकाली 1,08,000, कितना हो जाता है, 1,62,000 विल बी आवर प्रॉफिट, ठीक है जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को यहां तक? ओके, ये वाली चीज अब आप खुद निकालिए जरा, मैं इसको इतना ही दिखाऊंगा क्वेश्चन को, क्योंकि फिर सॉल्यूशन दिखेगा। वो कह रहा है कंट्रीब्यूशन 2 लाख का है, नेट प्रॉफिट 1,50,000 है, सेल्स 8 लाख है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। करिए, आप भी कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूं, ये मत सोचना मैं कर रहा हूं। 6 लाख 6 लाख आ रहा है, 1 मिनट।
हाँ जी आ तो रहा है, बाकी लोगों को सॉल्व करने दो, अभी तक किया नहीं कहीं उन्हें। अच्छा मैं वही कह रहा हूँ ना, करने के काफी ढंग हैं, ठीक है ऐसे हैं। हाँ 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 अगर आप शॉर्ट में भी कर रहे हैं पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाँ वैसे वहां से निकाल सकते हैं जैसे आप बोल रहे हो। हाँ, मैंने भी वही करना था, बट हाँ मैंने ये सारा कुछ लिख लिया साथ में। आया आंसर? ओके, ऑनलाइन पीपल हैव यू बीन एबल टू सॉल्व एंड गेट दिस वैल्यू ऑफ 6 लैक्स फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी एवरीवन? यस सर। हाउ मेनी पीपल डिड नॉट और आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट? सभी का आ गया आंसर? ओके, नाउ दिस वन इज अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज ICAI का फेवरेट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा पूछता है। जो अभी तक हमने किए वो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन थे, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन उनको करना पड़ना था एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। कह रहा है कंपनी प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट विच सेल्स फॉर 20 रुपीज पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 15, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 6,30,000। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अभी सॉल्व मत करो, मैं करवा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आपके नाम ही है। क्या बोल रहा है? कह रहा है सेलिंग प्राइस 20 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 15 है, तो आपका पीवी रेशो बन जाएगा 5/20 × 125%, वेरिएबल कॉस्ट रेशो विल बी 75%। अब क्या बोलते हैं, फिक्स ओवरहेड्स 6,30,000 हैं टोटल। अब वो कह रहा है हमें यहां पे क्या चीज नहीं पता, फिलहाल नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं पता कि कितने बेच रहे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट सेल्स वैल्यू, वैल्यू मतलब रुपीस, नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। सेल्स ना पता होने का कारण क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं पता। लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी एक्स, योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल ऑल्सो हैव एक्स, वट विल बी योर प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स? 2x। ये बात समझ में आई ना? सेल्स का 10% बोला ना उसने, हाँ 10% विल बी 2x, क्लियर है ना। सिर्फ 20 का मतलब मत कर देना, 2 है तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी होंगे साथ में। क्या कहते हैं, कितने नंबर, कितनी सेल्स है? कैन आई से कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। कॉन्ट्रीब्यूशन इज 5x, माइनस 6,30,000 इज 2x, 3x इज इक्वल टू 6,30,000। 2,10,000 यूनिट बेचोगे तो आपका ये प्रॉफिट आएगा, क्योंकि एक्स क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स थे। समझ आ रही है सभी को ऑनलाइन में? ओके, ये तीनों पॉइंट्स। हाँ जी बोलिए। सर हम सीधा पीवी रेशियो को डायरेक्ट तो नहीं कर रहे, मतलब हम यूनिट्स को निकाल रहे हैं। अगर हम सीधा पीवी रेशियो को ले 25% कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस केस में आपके पास वॉल्यूम सीधा आ जाएगा, बट मैं ये देख रहा हूं फिर आपके पास आएगा क्या? आपके पास अगर आप कह रहे हैं ना फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशो करेंगे तो आएगा क्या, पहले ये बताओ। हाँ जी प्रांगण, इफ यू आर डिवाइडिंग फिक्स कॉस्ट विद 25%, तो हमारी इसमें से वो आ जाएगी ना।
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बोलते जाओ मैं लिख लेता हूँ, एक नया ढंग सीखते हैं। 0.25, हाँ इसमें से क्या करूँ मैं? इसमें हमने सेल्स में एक्स ले लिया तो 0.25x हो गया। अच्छा ठीक है, एंड उसमें हमने फिक्स को माइनस कर दिया। एक मिनट, कभी सेलिंग प्राइस, एक मिनट, सेल्स कैसे निकलती है प्रांगत? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स निकलती है। यस सर। अब आप मुझे ये बताओ 0.25 है क्या? पीवी रेशियो 100 के पीछे है, 100 के पीछे है। बोलो बोलो। मैंने कंफ्यूज नहीं किया, तुमने आंसर कंफ्यूजिंग किया है। हमें ये चीज पता है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं पता है। आप क्या कर रहे हो, आप 20 नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप x किसको मान रहे हो पहले ये बताओ। नंबर सेल्स को ले रहा हूं। अच्छा टोटल सेल्स, अच्छा टोटल सेल्स इज x, ठीक है। तो उसमें तो हमारा जो फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो तो 0.25, तो 0.25 ऑफ x कर दिया मैंने। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी और हमें बोला है 10% ऑफ सेल्स निकालना है। तो 0.1x हो गया, 10% ऑफ x हो गया। सेल्स वॉल्यूम इटसेल्फ डायरेक्टली 42 लाख, विच आई विल गेट बाय 2,10,000 इंटू 20 करके, ठीक है। तो इफ दैट इज कमिंग एंड इफ दैट इज मैथमेटिकली करेक्ट, देन इट इज फाइन। हाँ हाँ पेपर के लिए ठीक है, पेपर के लिए ठीक है। इफ यू आर गेटिंग इट एंड इफ देर आर नो लाइक मैथमेटिकल एरर्स इन दिस, नहीं फिर तुक्का मत मारो। देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे को कोई मैथमेटिक्स का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ दे दोगे तो मेरे को नहीं आएगा। तो आई एम नॉट टू श्योर ऑन दिस, मतलब दिस इज समथिंग विच आई फाइंड इजियर टू सॉल्व। चलो नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेट सेल्स प्राइस पर यूनिट। व्हाट डज ही से? कि सेलिंग प्राइस निकालनी है टू ब्रिंग ब्रेक इवन पॉइंट डाउन टू 1,20,000 यूनिट्स। व्हाट डज ही से? वो कहता है सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है तो प्रॉफिट विल बी जीरो। 1,20,000 यूनिट बेचोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, बट आपने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए। तो मैं सेलिंग प्राइस को एक्स मानता हूं और 1,20,000 यूनिट अब दिए हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस विल बी योर सेल्स। पिछले में हमने नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्स माना था, इसमें हमने सेलिंग प्राइस को एक्स माना है। इज ही टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट एनीवेयर? कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है इस लाइन के हिसाब से, कहीं पे वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है? नहीं हो रही ना, तो वेरिएबल कॉस्ट तो 15 ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनेगी? 15 × 1,20,000, समझ रहे हैं? इतना कितना हो जाएगा? 18 लाख। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 1,20,000x माइनस 18 लाख, ठीक है। फिक्स कॉस्ट विल ऑल्सो बी द सेम, ठीक है। एक सेकेंड रुको, इसको सॉल्व करने का एक मिनट, और क्या ढंग हो सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट को हमने 1,20,000 पे लिया है, हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट विल ऑल्सो बी द सेम, हमने 1,20,000 यूनिट लिए और एक्स लिया, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी? 6,30,000, ठीक है। इसका मतलब कैन वी से
दैट 1,20,000 एक्स माइनस 18 लाख शुड बी इक्वल टू दिस इज योर व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इक्वल हेयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होंगे तभी इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो जीरो बना सो दिस विल बी इक्वल टू 6,30,000 हाँ जी आ जाएगा आ जाएगा तभी मैं कह रहा था एक से ज्यादा मेथड्स हैं ये समझ में आया कि कंट्रीब्यूशन को मैंने इक्वेट कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट के साथ क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट है तो फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर होगा तभी जीरो आएगा ना प्रॉफिट ये क्लियर है अब जरा करो 1,20,000 एक्स इज इक्वल टू 18 लाख उधर एड हो जाएगा 24,30,000 सो एक्स विल बी 20.25 दिस विल बी योर सेलिंग प्राइस इफ यू वॉन्ट टू अचीव अ ब्रेक इवन पॉइंट एट 1,20,000 यूनिट्स इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑनलाइन ऑनलाइन पीपल आर गुड विद दिस ओके सो एज यू सेड देर इज अनदर वे टू सॉल्व दिस राइट हाँ जी कैसे आपने बोला था फिर नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं आपने क्या किया आपने 6,30,000 को किया डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में ऐसे क्या होगा ऐसे करो ना एक मिनट ऐसे करके देखो एक बार फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा दिस इज समथिंग यू वांट टू कैलकुलेट माइनस 15 विल रिमेन 15 विल बी इक्वल टू 1,20,000 यूनिट्स आर यू गेटिंग माय पॉइंट इसको सॉल्व करके देखो फिर आपके यूनिट्स आते हैं कि नहीं हाँ जी बोलो 1,20,000 एक्स माइनस 18 लाख वही चीज हो जाएगी हमारी इक्वेशन वहीं पे आ जाएगी ये जाके ऐड हो जाएगा कंट्रीब्यूशन आप सीधा कैसे निकाल सकते हैं कैसे अगर कंट्रीब्यूशन आ सकता है फिर सेलिंग प्राइस अच्छा बोलो 1,80,000 20,000 तो वही तो मैंने किया ना नहीं वो मुश्किल है नहीं ये लॉजिकल है आपने सिंपली कुछ नहीं किया मैंने एसपी माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिखी आपने इसकी जगह सिर्फ एक्स लिख के 5.25 निकाला और उसमें 15 ऐड कर दिया तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ ठीक है हाँ जी बोलो प्रतीक यस सर एक बार ये बता दो 20.25 है क्या वैसे 20.25 आया आपका नया वाला सेलिंग प्राइस एक मिनट रुको 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 नया वाला सेलिंग प्राइस 20.25 जिसके ऊपर अगर आप 1,20,000 यूनिट्स बेचते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है नहीं समझ में आया देखो हम आपने बेसिकली क्या किया आपने 1,20,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट उसने बोला था अचीव करना है ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता अगर हम ब्रेक इवन सेल्स को कंसिडर करते हमारी सेल्स कितनी होंगी 1,20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये सेल्स होंगी सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा 1,20,000 यूनिट्स तो है ही है 15 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है और इसमें कोई चेंज नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सो ये 18 लाख ही बनेगा आपका जो कंट्रीब्यूशन आता है वो 1,20,000 एक्स माइनस 18 लाख आता है और ये ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट आपस में बराबर होते हैं ये हमने इक्वेट कर दिया तो हमें ये पता चला कि एक्स की वैल्यू 20.25 है इसका मतलब अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी अचीव करना चाहते हैं 1,20,000 यूनिट्स पे तो आपको सेलिंग प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा 20 रुपए से 20 रुपए 25 पैसे पे आना पड़ेगा
इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इफ प्रॉफिट इज 60,000. सो हाउ वुड यू सॉल्व दिस? Profit is 60,000. This is 6,30,000. Contribution will be 6,90,000. आपको क्या करना है? Margin of safety की sales निकालनी है. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर 20 into x है और 15 into x है, तो यहाँ से आपको number of units पता चल जाएंगे. 5x is equal to 6,90,000. X कितना हो जाएगा? 1,38,000. इतने यूनिट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा. ठीक है, या आप एक चीज और कर सकते हैं, आप इसको जैसे आप करना चाहते हैं, 20 - 15 = 5. 25% विल बी योर व्हाट डू यू से पीवी रेशियो. सो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, प्रॉफिट ओवर 25%. ठीक है, दैट वे आल्सो यू कैन सॉल्व. ठीक है, इसमें कोई तीसरा मेथड तो नहीं लेके आ रहे ना? ठीक है फिर. इज इट क्लियर एवरीवन? सो यू हैव टू और थ्री वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन. व्हिच एवर यू आर एबल टू रिलेट टू, यूज दैट मेथड. ओके, नाउ one important thing before which I will just recap the formula. You are going to recap, and this time online people are going to recap. So Samrit, we'll start with you. PV ratio ka formula. So contribution upon sales at 200. Right. A break even point ka bhi formula bata do, if you are supposed to calculate it in units and in rupees. So fixed cost upon contribution per unit or fixed cost upon PV ratio. ठीक है, वंश, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट. ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स, या अगर परसेंटेज में दिए तो 100. इसके साथ हमने और कोई फॉर्मूला किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज इज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स इज प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब एक नया फॉर्मूला है, नया मतलब एडिशनल फॉर्मूला है, जो कि लास्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, पीवी रेशियो निकालने का एक और फॉर्मूला. अगर आपको दो टाइम पीरियड्स अलग अलग बताए गए हैं जो कि इक्वल टाइम पीरियड्स होने चाहिए, इसका मतलब अगर 3 महीने है तो दूसरा भी 3 महीने होना चाहिए, 1 साल है तो दूसरा भी 1 साल होना चाहिए, 6 महीने है तो दूसरा भी 6 महीने होना चाहिए, मतलब दो इक्वल टाइम पीरियड्स का प्रॉफिट और सेल्स दिया हो. ठीक है, दो टाइम पीरियड्स हैं और उनका प्रॉफिट और सेल्स दिया हो, तो आपका फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट्स ओवर चेंज इन सेल्स इन 200 ऑफ दोस. कई बार वो क्या करता है, आपको टोटल कॉस्ट बता देता है और सेल्स बता देता है, तो सबसे पहले आपको यहां से प्रॉफिट निकालना होता है, फिर इन दोनों को यूज करके पीवी रेशियो निकालनी होती है. आप जल्दबाजी में चेंज इन कॉस्ट ओवर चेंज इन सेल्स मत कर देना. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट्स ओवर चेंज इन सेल्स. कंपनी हैड इनकर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ 4.5 लाख विद सेल्स वॉल्यूम ऑफ 15 लाख. अब क्या क्या दिया हुआ है वो बोल रहा है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ 4.5 लाख विद अ सेल्स ऑफ 15 लाख एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख्स. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर, इन द सेकेंड हाफ इट सफर्ड अ लॉस ऑफ 1.5 लाख. ठीक है, वॉट इज मिसिंग? सेल्स आर मिसिंग.
for the second half, right? So can you do one thing? If we just look into this calculation, sales minus variable cost is contribution and minus fixed cost is profit. If fixed cost, if we are talking about the first half and second half like this, fixed cost was 4.5 lakh. This will remain 4.5 lakh in the second half year also. Profit was 3 lakh. Here it was 1.5 lakh. यहाँ से हमें पता चलता है contribution would have been 3 lakh backwards चल के. और यहाँ पे contribution 7,50,000 का होगा. ठीक है जी? Reverse चल रहे हैं. सेल्स यहां की दी हुई है 15 लाख है. यहां से मुझे पता चलता है कि 7.5 लाख का वेरिएबल कॉस्ट था 50% एंड 50% का ही कॉन्ट्रीब्यूशन था. अगर दिस वॉज 50% दिस शुड हैव ऑल्सो बीन 50% एंड योर टोटल सेल्स शुड हैव बीन 6 लाख. आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट एवरीवन? नाउ कैन यू अप्लाई द फॉर्मूला हियर? ध्यान से देखना, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स इज नॉट 1.5 लाख. हाउ मच इज इट? 4.5 लाख. समझ में आता ना? लाइक इफ यू डोंट नो दिस, तो ये माइनस में एक चला गया 1.5 लाख और ये पॉजिटिव में आ गया 3 लाख. द डिफरेंस इज पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो 4.5 लाख है ना कि 1.5 लाख. तो डिफरेंस इन प्रॉफिट्स और डिफरेंस इन सेल्स कितना हो गया? 9 लाख. दिस विल बी 50%. दिस ऑलरेडी इज देयर जो हमने यहां से निकाल लिया. तो आप दोनों तरीके से जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते थे. उसने आपको क्या बोला? पीवी रेशियो निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफ ही यूज करना है. करियर जरा, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ. ठीक है, ब्रेक इवन विल बी 9 लाख. 4,50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो एंड टोटल सेल्स माइनस 9 लाख विल बी 6 लाख. दैट विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ये हमने निकाल ही लिया. एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, एज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ, ये हमने ऑलरेडी निकाला. ठीक है, ये वाली चीज. थर्ड इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर. होल ईयर के लिए कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट विल बी 9 लाख डिवाइडेड बाय 50%. उसको मत जोड़ देना, 50% 50% 100% मत कर देना. ठीक है, 18 लाख. ठीक है, कई बार हम जल्दबाजी में कर देते हैं ऐसे काम. ठीक है जी, गुड विद दिस क्वेश्चन? इज एवरीवन ऑनलाइन क्लियर टिल हियर? ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच आई वुड लाइक यू टू सॉल्व एज अ होमवर्क. हां जी बोलिए. सर जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया था, यही वाला जो अभी किया. हां जी सर. इसमें जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फर्स्ट वाले पार्ट में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, हां जी, उन्होंने अंत में मेरे हिसाब से सेकंड हाफ के बेसिस पे निकाला होगा. एक मिनट, लेट मी चेक. नहीं, उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी होल ईयर का निकालना था ना, वो बोल रहे हैं आप? सर जो फर्स्ट वाला पार्ट था जिसमें हमने फर्स्ट ईयर का निकाला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी. नहीं, इसने शायद यहाँ पे निकाला ही नहीं हुआ, आई वुड से. क्योंकि ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला हुआ है ना इसने आंसर में, ये होल ईयर का निकाला हुआ है. कहीं और तो इसने निकाला ही नहीं हुआ ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ये देखो, ये तो पीवी रेशियो ही निकाला हुआ है ना. ही इज नॉट सॉल्व इट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर. सेवंथ इज समथिंग विच यू विल डू एज अ होमवर्क. एट्थ इज समथिंग विच यू शुड नो. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है,
ओके दिस विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, यू विल नॉट हैव मच होमवर्क टुडे, बट दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन. You will have to give me an example of any product from everyday life जिसमें, अदरवाइज मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा बट आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो एज अ सिंगल यूनिट भी बिकता हो. वैसे इसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल है एक, जैसे कि अगर आप कैडबरीज का चॉकलेट खरीदते हैं तो एज अ सिंगल यूनिट आप जाके खरीद सकते हैं, एक चॉकलेट खरीद सकते हैं. और लेकिन जब वो गिफ्ट पैक में आ जाता है चार पांच चॉकलेट, तो उसको हम गिफ्ट पैक को अलग अलग करके नहीं. हैव यू एवर नोटिस वन थिंग, लेट्स से अज्यूम दैट द चॉकलेट कॉस्ट यू 40 रुपीज, 85 रुपीज बड़े वाला, एंड सो ऑन 90 रुपीज, इस तरीके से आ गया. अगर आपने ये चॉकलेट अलग अलग खरीदे होते तो आपको 40 रुपए, 85 रुपीज और 90 रुपीज के मिल रहे होते हैं. जब आप गिफ्ट पैक खरीदते हैं तो इसका सम टोटल के बराबर नहीं होता है, वो उससे ज्यादा होता है. होता ना ऐसे? कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पे सिंगल प्रोडक्ट भी बिक रहा है और इस तरीके से पैकिंग में भी बिक रहा है? बहुत से एग्जाम्पल्स हैं. सेंसोडाइन टूथपेस्ट अलोंग विद दैट द टूथब्रश इज बीइंग सोल्ड, राइट? कोई और ऐसा प्रोडक्ट बताओ. अब मेरे को एक सिंपल सा एग्जाम्पल दो, सॉरी सिंपल सा लॉजिक दो. आप दुकानदार के पास जाते हैं गिफ्ट पैक को उठा के उसके काउंटर पे, उसको बोलते मेरे को ये वाला चॉकलेट नहीं चाहिए, क्रैकल नहीं चाहिए, मेरे को फ्रूट एंड नट चाहिए और नॉर्मल वाला डेयरी मिल्क चाहिए, इसमें से निकाल के मेरे को बेच दो. विल ही सेल इट लाइक दैट? सो इसका मतलब गिफ्ट पैक इज नॉट अ सम ऑफ थ्री डिफरेंट चॉकलेट्स, इट हैज बिकम वन यूनिट नाउ, इट हैज बिकम वन प्रोडक्ट नाउ. हो सकता है उसमें दो सिंपल वाले हो, एक सिल्क वाला हो, एक सिल्क वाला हेजलनट हो. ठीक है, तो आप चार चॉकलेट्स का एक पैकेट एज वन यूनिट खरीद रहे हैं. ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस चीज को बोलते हैं कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन या कॉम्पोजिट पीवी रेशो. अब आप 40 रुपए वाले का, 85 रुपीज वाले को, 90 को तीन अलग अलग प्रोडक्ट की तरह ना देखते हुए तीनों को एक प्रोडक्ट गिन रहे हो जिसमें रेशियो थी 2-1-1. समझ आ रही है बात? यहां पे सेम कॉन्सेप्ट है, ये हम लास्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं आज का, लेकिन इसको ध्यान से समझ लेना. वो कहते हैं तीन प्रोडक्ट हैं, उनकी अपनी सेलिंग प्राइस 100, 160, 75 है. इनकी वेरिएबल कॉस्ट 50, 80, 30 है. ये तब है जब आप कैडबरीज का सिंपल डेयरी मिल्क, सिल्क एंड सिंपल सिल्क एंड सिल्क विद हेजलनट खरीद रहे हैं. ठीक है, ऐसे है. अगर हम इनको सिंपली सिंगल यूनिट्स की तरह लेते तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता 50, 80, 45. लेकिन वो कहते हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो है 20%, 30%, 50%. इसका मतलब 20% ऑफ द टोटल सेल्स वॉल्यूम, 30% एंड 50%. योर कॉस्ट इज, फिक्स्ड कॉस्ट इज 14,80,000 एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट ओवरऑल ब्रेक इवन क्वांटिटी, जिसको हम कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं.
एंड द प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ सच क्वांटिटी. कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? सॉल्व कैसे करना है वो मैं बता दूंगा. आपने क्या करना है, तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला, लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगा क्योंकि इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम सिर्फ 20% उठाएंगे टू मेक इट वन प्रोडक्ट. इसमें से सिर्फ 30% उठाएंगे बिकॉज इट इज ओनली 30% ऑफ द टोटल वन प्रोडक्ट. एंड इसमें से सिर्फ हम 50% उठाएंगे बिकॉज आउट ऑफ द होल प्रोडक्ट इट इज अ पार्ट ऑफ ओनली हाफ 50%. ठीक है, तो जब हम ब्रेक इवन सॉरी कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन उठाएंगे तो क्या करेंगे, 50 का 50 हमें नहीं मिल रहा, 50 का सिर्फ 20% हम कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज वी आर कंसिडरिंग 20, 30, 50 as 100. 20, 30, 50 मेक्स वन यूनिट. सो टोटल यूनिट का 20% कम्स फ्रॉम एक्स, टोटल पैकेज का पैकेट का 30% कम्स फ्रॉम वाई, एंड टोटल पैकेज का 50% कम्स फ्रॉम जेड. अभी क्लियर ऑन दिस थिंग? सो 50 का 20% इज 10, ठीक है, 80 का 30% इज 24, एंड 45 का 50% इज 22.5. एडेड टुगेदर दिस इज योर कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब आप ये मत बोलना कि ये तो एक यूनिट नहीं है भाई, वो जो पैकेज हमने बनाया है जिसमें हम 2, 3, 5 की रेशियो में चीजों को बेच रहे हैं वो एक यूनिट है फिलहाल. जो गिफ्ट पैक आप खरीदने जा रहे हैं वो अलग अलग करके उनके चॉकलेट्स नहीं बेच रहा, उसको एज वन यूनिट बेच रहा है जिसमें दो कैडबरीज के डेरी मिल्क है, सिल्क है, सिल्क विद हेजलनट है. समझ आ रही है बात? तो एक बार टोटल लगाइए कितना आता है. 56.5 इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फ्रॉम द होल वन पैकेज या पैकेट. क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड इसी से निकलता है कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट. अब आप सिंपल सी चीज है, जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कॉन्ट्रीब्यूशन. लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन अब एक अलग अलग नहीं उठाना शुरू कर देंगे 50, 80 and 45. वी विल टेक दिस कॉन्ट्रीब्यूशन 56.5 एंड दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, दिस विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर द पैकेजेस दैट वी आर सेलिंग, पैकेट्स दैट वी आर सेलिंग. सो इसका मतलब अगर टोटल पैकेट्स 26195 सेल हो रहे हैं तो उसमें से कितने थे, 20% इज फॉर एक्स, ठीक है ना, 30% इज फॉर वाई, एंड 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर जेड. तो इसलिए 26195 का 20% इज एक्स, 26195 का 30% इज वाई, एंड 26195 का 50% इज जेड. आर वी क्लियर? Is everyone clear on this part, whole part? Okay. So, आज आपने सिर्फ जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला है वो करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 7 और एक का आप ट्राई कर सकते हैं 9, सिर्फ दो, ठीक है, यहां तक ही करना, इससे आगे नहीं. रिवाइज जरूर करके आना, फॉर्मूले सभी को पता होने चाहिए, ठीक है.